अहमदनगर लगत असलेल्या इमामपूर घाटामध्ये मंगळवारी दुपारी हिम्मत जाधव याचा मोटरसायकलवरील तिघांनी दोन गावठी कट्ट्याने गोळ्या झाडून खून केलाय. या घटनेला 24 तास पूर्ण होण्याअगोदर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या सोनई पोलिसांनी सोनई, औरंगाबाद आणि शिर्डी येथून या आरोपींना अटक केली आहे. इमामपूर घाटामध्ये हिम्मत जाधव याचा खून झाल्यानंतर मारेकरी पसार झाले होते. ही घटना घडल्यानंतर पोलीस सूत्र तातडीने हलवण्यात आलं. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांची दोन पथके आरोपींच्या शोधामध्ये रवाना झाली. महामार्गावरती सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या फुटेजमध्ये सोनई परिसरातील एक गुन्हेगार प्रवृत्तीचा इसम असल्याची खात्री पोलिसांना झाल्यामुळे तातडीने कारवाई करून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली देऊन अन्य दोन साथीदारांची नावे सांगितली आहेत. या माहितीवरून पोलिसांनी कृष्णा अशोक कोरडे, सोमनाथ मोरे आणि अजिनाथ ठोंबरे यांना अटक केली आहे. अटक केलेल्या आरोपींनी जाधव यांच्या हत्येची सुपारी घेतली असल्याची कबुली दिली आहे. अटक केलेले आरोपी सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्या विरुद्ध अगोदरच खुनाचा प्रयत्न, अवैध हत्यार विक्रीसह अन्य स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. या संदर्भात जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये अधिक माहिती दिली आहे. तर आरोपींना 20 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. कि 13 सितंबर के आसपास इमामपुर घाट है, जेऊर गांव के थोड़ा आगे, वहां पे जब वो एक कोर्ट की तारीख अटेंड करके एक अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे थे, तो उनके ऊपर पीछे से कुछ अनजान हमलावरों ने करीब 3 से 4 राउंड फायर करके उनका मर्डर किया. ये घटना अत्यंत संवेदनशील थी और उसके तुरंत बाद जिले के सभी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी जो थे वो वहाँ पर पहुँचे. मैं भी वहाँ पर पहुँचा. वहाँ पे हम लोगों ने इमीडिएट इसका तपास शुरू किया. इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमें कुछ क्लूज मिले. उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका था. उस हमले के आधार पे और कुछ और जो हमें वहाँ पे कुछ लोगों ने जो और लिंक्स दिए, कुछ क्लूज दिए, उसके आधार पर हमने सोमा मोरे करके, सोमनाथ मोरे जो कि शनि सिंगनापुर का रहने वाला है, उसको उठाया. उसको उठाने के बाद हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे पता चला कि इसमें और भी जो शूटर थे, 3 शूटर थे करीब, तो जो मोटरसाइकिल पे आए थे, तो अन्य 2 लोगों की भी हमें जो है जानकारी मिली. उनके नाम है अजय ठोंबरे और कृष्णा कोरडे, और इनको कल लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है 24 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट किया. इनसे प्राइमरी पूछताछ करने पर ये पता चला है कि ये एक सुपारी किलिंग थी, जिसमें जो है कुछ पैसे देके इन लोगों से जो है ऐसा मर्डर करने को कहा गया. जिन्होंने किया है उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल रही है. अभी पुलिस उनकी तलाश में है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हमें वो मिलेंगे. मर्डर का कारण जो है पुराना झगड़ा है, और जिसके ऊपर जो है पिछले साल ऑलरेडी एक अटेम्प्ट टू मर्डर का सिंपथेटिक के गोली मारने की घटना हुई थी, जिसमें वो बच गए थे. स्वराज खोबरे, C24 तास, अहमदनगर.